हे गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो गाइस। आज भी मेरे पास बहुत सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, आप देखो अंत तक देखते रहना है। आल्सो अगर तुम आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो गाइस यार कर लेना, बिकॉज मैं सही आप लोग के लिए रेगुलरली न्यूज लाते रहता हूँ। नाउ बढ़ते हैं पहले न्यूज की तरफ और बात करते हैं शाहरुख खान के बारे में। तो भाई शाहरुख खान यार रिएक्ट करते हैं जॉन सीना की वायरल वीडियो के बारे में। आप लोग को यार पता होगा अभी के टाइम पर इंटरनेट पे कुछ दिन से यार जॉन सीना की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पर यार वो शाहरुख खान का एक सॉन्ग गा रहे थे, वो भी हिंदी में। एंड अगर आप लोगों ने यार उनकी वो वायरल वीडियो नहीं देखी तो आप लोग पहले देख लीजिए। I'm here with a pretty big Shahrukh Khan fan. You never know what you can learn when you choose the path of growth. Here we are in a gym, so we're trying to grow, but there's tons of paths for growth, and I'm going to try my best to learn a song. This is for you, Mr. Shahrukh Khan. It kind of goes like this. The big hit song. It goes like this. Boli si surat, boli si surat, aankhon mein masti, aankhon mein masti. दूर करी शर्माए, दूर करी शर्माए, हाय हाय, हाय हाय। मिस्टर शाहरुख खान, यू लेट अस नो हाउ दिस। एंड जॉन सीना की वायरल वीडियो के ऊपर आया अभी शाहरुख खान का भी यार रिएक्शन आ गया है। उन्होंने इसके रिगार्डिंग एक ट्वीट किया इसी वाली वीडियो को शेयर करते हुए। वो कहते हैं थैंक यू बोथ, लव इट एंड लव यू जॉन सीना, आई एम गोना सेंड यू माय लेटेस्ट सॉन्ग एंड आई वांट टू डू इट फ्रॉम द टू ऑफ यू अगेन। हाँ, तो बाकी यार शाहरुख खान ने भी रिएक्ट किया था जॉन सीना की इस वायरल वीडियो के ऊपर। आप लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है इस चीज पर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो भाई ट्रिगर्ड इंसान ने अपने लेटेस्ट वाली यार मेन सॉन्ग की वीडियो में रोस्ट कर दिया है गौरव जोन को। आप लोग यार खुद ही देख लीजिए। ये मुझे कैसे? अबे यही तो मैंने पूछा। अबे यही तो मैंने पूछा। ये सब मैं भी पूछ रहा हूं भाई। अबे ये सब क्या बोल रहे हो तुम लोग? अबे ये सब क्या बोल रहे हो तुम? ये बुझी बुझी कैसे? ये क्या हो रहा है? 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 भाई क्या हो रहा है? भाई कुछ हो रहा है? कुछ हो रहा है? कुछ आ रहा है? बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं रचित्रु के बारे में। तो भाई रचित्रु के साथ में हो चुका है उनके स्ट्रीम पे बहुत बड़ा गलत सीन। बेसिकली हुआ क्या कि कल यार रचित्रु अपने रैच वाले चैनल के ऊपर में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे एंड वहां पर यार वो अपने सब्सक्राइबर के ही भेजे गए हुए मीम्स के ऊपर यार रिएक्ट कर रहे थे। तो वहीं पर यार उनको एक ऐसा मीम शो होता है जो कि ऊपर से तो यार एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे यार उन्होंने उस वाले मीम पे क्लिक किया वहां पर यार वो 18 प्लस वाली वीडियो चल गई। आप लोग यार जान ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। एंड इसके बाद में भाई रचित्रु उस बंदे पे यार बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। लिटरली यार ये चीज स्ट्रीम पे चलाने की वजह से उनका चैनल भी डिलीट हो सकता था। उनका क्या कुछ रिएक्शन था उस टाइम पे देखिए आप लोग। हम लोग क्या स्ट्रीम कट कर रहे हैं भाई? मैं इसको व्हाट द फक, लाइक आई मीन तुम लोग ऐसा क्यों करते हो? लाइक गिव मी अ रीजन ब्रो, एंड हु इज दिस गाय? भाई मैं जेल, मैं बता रहा हूं ऐसा कुछ करने पे ना, मेरे चैनल पे कुछ हुआ ना, मैं भाई तक को जेल भिजवा दूंगा, ठीक है? और मेरे को बुरा नहीं लगेगा भाई इस चीज़ के लिए। इफ तेको ये चीज़ फनी लगती है ना, तेको ये चीज़ समझ में नहीं आता कि भाई मेरा घर का रेंट जाता है ये स्ट्रीम से, मेरे घर का ना चीज़ें जाती हैं भाई, हम बहुत सारी, मेरा करियर है भाई उससे। इफ इसको ना समझ, इसको इन लोगों को समझ में नहीं आती ना भाई ये चीज़, तुम समझ रहे हो ना? इफ मेरा चैनल गया तो भाई बहुत सारा चीज़ें हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ें चलता है भाई मेरा उससे। ये जितने भी लोग ये हरकतें करते हो भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड डूड, ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई प्लीज़। ये जो भी था यार, एंड उसने ऐसे लिखा था प्लीज़ वॉच इट, तो मैंने देख लिया भाई। मैं स्ट्रीम करने के बाद इसको प्राइवेट करूंगा एंड देन लाइक वो करूंगा, क्या बोलते हैं। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो भाई फ्लाइंग बीस्ट यार बात करते हैं इंडिया की एक बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज के बारे में। एंड वो क्या कुछ बताते हैं यार अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, आप लोग खुद ही देख लीजिए। मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि यार एंशियंट इंडिया में लोगों की डाइट क्या करते थे, बिकॉज यू नो कि वो लोग बहुत ज्ञानी थे। तो मैं इंटरनेट पे गया, मैंने कहा यार क्या कौन सी बुक्स है जो आज भी हो, किसी ने भेजी हो। तो कैसे पूछा विच बुक शुड आई रीड फॉर आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन, भाई ये मेरे को 10 बुक्स मिली, इसमें सिर्फ एक इंडियन ऑथर है, सारे मतलब डैनियल, जॉनी एनी, केट, सब डेविड, रॉबर्ट, अमेंडा मोरिंगा, ये भी एक इंडियन है, मतलब 10 में से, और आखिरी वाला भी जो पहले नंबर पे है। मतलब कि भाई 10 में से 8 किताबें गोरो ने लिखी हैं आयुर्वेदा और न्यूट्रिशन के ऊपर, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन के ऊपर। सेंस ही नहीं बना रहा मुझे, मतलब ये चल क्या रहा है भाई। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। अब जैसे कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में बताया था कि 26 फरवरी मतलब कि आज का ही दिन है हर्ष बेनीवाल की दारू विद डैड का न्यू पार्ट आने वाला है। तो यार उन्होंने 26 डेट को ही क्यों चूज किया वीडियो को डालने के लिए, उन्होंने इसके बारे में हर चीज को रिवील किया, वो क्या कुछ कहते हैं देखिए आप लोग। दोस्तों देखो, मुझे पता है आप लोगों का एग्जाम है 27 को केमिस्ट्री का, बोर्ड का, तो मैंने ये वीडियो इसलिए डाली है, मतलब डालूंगा 26 तारीख को, मतलब आज 4 बजे शाम को, ताकि आप लोगों का माइंड फ्रेश हो जाए
मुझे आप लोगों की चिंता है, आप पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो चुका होगा, फोन मिलेगा 1 घंटे के लिए, 1 घंटे का आप देखना, एंजॉय करना, मजा आएगा आपको, माइंड ऐसे फ्रेश हो जाएगा, फिर ध्यान लगा के पढ़ना। स्कीम है इसके पीछे, ऐसे ही नहीं करता कुछ। अब अगर हर्ष बेनीवाल के बारे में बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं अमित भड़ाना के बारे में। अब जैसा कि आप लोगों को यार पता होगा कि अमित भड़ाना ने लास्ट वीक यार अपनी न्यू वीडियो अपलोड करी अपने मेन चैनल के ऊपर में, एंड अभी यार उनकी एक और न्यू वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, मतलब कि यार हफ्ते भर बाद ही उनकी यार न्यू वीडियो आने वाली है। इसी के रिगार्डिंग वो रिएक्ट करते हैं। उन्होंने कहा न्यू वीडियो आने को क्या कह रहे हो, यकीन नहीं हो रहा, लास्ट वीक तो आई थी वीडियो, इस साल ऐसे ही होगा, जल्दी जल्दी वीडियो का जमावड़ा लगेगा, अब बस प्यार देने को तैयार रहो। तो यार भाई बेसिकली यार अमित भड़ाना यही यार चीज रिवील कर रहे हैं कि उनके चैनल पर में यार अब वीडियोस काफी जल्दी जल्दी आएंगी, काफी जल्दी आपको वीडियोस देखने को मिलेगी उनके चैनल पे। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ और बात कर लेते हैं एक पाकिस्तानी लड़की के बारे में, जिसको भाई पाकिस्तान के पुलिस के साइड से भाई अरेस्ट कर लिया गया। बेसिकली हुआ क्या कि एक पाकिस्तानी लड़की गई हुई थी एक रेस्टोरेंट के अंदर ये वाला कपड़ा पहन के, आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें डिजिटल प्रिंटिंग करी गई है इस्लामिक वर्ड्स में, एंड इसी वजह से भाई वहां की पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया गया। उसकी वीडियो भी अभी के टाइम पे काफी ज्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट पे, आप लोग सबसे पहले वाली वीडियो को देखिए। हम लोग इधर ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं, आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। इस वाले वायरल वीडियो के ऊपर यार लोगों के अपने अपने रिएक्शंस थे। कुछ लोग यार ये कह रहे थे कि पुलिस ने अच्छा किया, कुछ लोग यार ये कह रहे थे कि पुलिस ने काफी बुरा किया, एंड इस रीजन की वजह से यार लोग कह रहे थे कि पुलिस ने बुरा किया, बिकॉज यार लोगों का ये कहना था कि ये जो इस्लामिक वर्ड्स लिखे हुए थे इस वाले यार शर्ट के ऊपर, वो यार कहीं से भी कुरान से सिमिलर नहीं थे, वो कुरान के वर्ड्स नहीं थे, इसलिए यार अरेस्ट तो नहीं करना चाहिए था। बाकी यार मेरे को इसके बारे में यार ज्यादा आइडिया नहीं है, आप लोग का क्या ऑब्जेक्शन है यार कि ये कौन सी लैंग्वेज है, ऑल्सो क्या ये कुरान से सिमिलर है, मेरे को यार कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं विराट कोहली के बारे में। तो क्या भाई विराट कोहली ने किसी यूट्यूबर की यार रील को लाइक किया? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो मैक्स टर्न जिन्हें ऑलरेडी यार आप लोग जानते होंगे, उन्होंने कल एक ट्वीट किया था कि स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए, इस बार वो ये दिखाते हैं कि विराट कोहली ने उनके रील को भाई लाइक किया है, एंड इस पे वो लिखते हैं इवन विराट कोहली वॉच्स माय रील, एंड इसी के नीचे यार उन्होंने एक और भी ट्वीट किया जिसमें वो कहते हैं ओ ही अनलाइक प्रोबेबली ही मिस्ड इट, एंड हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली यार विराट कोहली ने मैक्स टर्न की रील को गलती से लाइक कर दिया हो, क्योंकि यार उन्होंने उसके बाद में उसको अनलाइक कर दिया। आप लोगों के क्या रिएक्शन है इस चीज पे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं मिथपैट के बारे में। तो भाई मिथपैट के एक फैन ने यार उनके लिए एक बहुत ज्यादा क्रेजी आर्ट बनाया, आप लोग यार खुद देख पा रहे होंगे। बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो भाई कैरी मिनाटी रिएक्ट करते हैं एक बहुत ज्यादा शॉकिंग एंड क्रेजी न्यूज के ऊपर। बेसिकली हुआ क्या कि अभी के टाइम पे इंटरनेट पे एक न्यूज काफी ज्यादा स्प्रेड हो रही है, जहां पर यार ये बताया जाता है कि एक वेमन को भाई अरेस्ट कर लिया गया है इस वजह से, बिकॉज यार जब वो फर्स्ट डेट पे गई थी एक लड़के के साथ में, तो फर्स्ट डेट के बाद में यार उसने उस लड़के को 160,000 से भी ज्यादा भाई लगातार मैसेजेस किए, इसी वजह से और उसको अरेस्ट कर लिया गया। एंड इसी वाली न्यूज के ऊपर यार कैरी मिनाटी रिएक्ट करते हैं, वो कहते हैं चलो सिर्फ लौंडे ही पागल नहीं होते। बाकी आप लोग का क्या रिएक्शन है इस क्रेजी न्यूज के ऊपर, मेरे को अपने ओपिनियंस को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलो यार गाइस बस अभी के लिए न्यूज तेरा के जब न्यूज मिलेगी यार मैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। एंड यार गाइस अगर आप लोग मुझे कोई न्यूज सबमिट करना चाहते हो तो आप लोग को न्यूज सबमिशन के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप लोग वहां पर जाकर मुझे कोई न्यूज सबमिट करोगे तो डेफिनेटली यार गाइस मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट दूंगा। एंड मैं मिलता हूं आप लोग को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।